हमारा, आजादी है हक तुम्हारा, आजादी तो आजा सर, आजादी। साल 2020 में देश भर में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए। दिसंबर 2019 में पारित होने के बाद कई लोगों ने इसे भेदभावपूर्ण करार दिया। एक और विवादास्पद निर्णय जिसका देश में तीव्र विरोध हुआ वो था राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी, जो भारत के हर नागरिक के लिए ही पंजीकरण अनिवार्य करता है। सीएए के क्रिटिक्स का मानना है कि सीएए के लागू करने से अवैध विदेशियों का पता लगने से हिरासत में लेने और निर्वासन करने के उद्देश्य से असम अकॉर्ड्स यानी असम समझौते को रद्द करके असमिया लोगों की संस्कृति और पहचान को नष्ट कर दिया जाएगा। ये धारा ये भी दावा करती है कि सीएए का उद्देश्य एनआरसी से बाहर रहे बंगाली मूल के हिंदुओं को नागरिकता देना है। क्यों हुआ था ये असम का समझौता? 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो वर्तमान बांग्लादेश है उसके खिलाफ पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई शुरू हुई तो वहां के लगभग 10 लाख लोगों ने असम में शरण ली थी। बांग्लादेश बनने के बाद इनमें से अधिकांश वापस लौट गए, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हमारे देश में रहे। जो घुसपैठ ही आए हैं उनको बाहर भेजना चाहिए, भेजना चाहिए। 1971 के बाद भी जब बांग्लादेशी अवैध रूप से असम आते रहे तब स्थानीय लोगों को लगा कि ये लोग उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। इस तरह जनसंख्या में हो रहे बदलावों ने असम के मूल निवासियों में डर पैदा कर दिया। भविष्य के लिए एक सांस्कृतिक और भाषाई राजनीतिक असुरक्षा की स्थिति पैदा कर दी। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप ही 1978 के आसपास वहां एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नेतृत्व वहां के युवाओं और छात्र संगठन यानी कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू और ऑल असम गण संग्राम परिषद के हाथों में ही दी गई। इस समय ये मांग भी जोर पकड़े हुए थी कि विधानसभा चुनाव कराने से पहले ही विदेशी घुसपैठियों की समस्या को दूर किया जाए। बांग्लादेशियों को वापस भेजने के अलावा आंदोलनकारियों ने 1961 के बाद राज्य में आने वाले लोगों को वापस भेजे जाने या उन्हें कहीं और बसाने की मांग की। इन्हीं मुद्दों को लेकर आंदोलन उग्र हो गया और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। 1983 के विधानसभा चुनाव में राज्य की बड़ी आबादी ने मतदान का, इसी दौरान राज्य में आदिवासी भाषाई और सांप्रदायिक पहचान के नाम पर बड़े पैमाने पर कई आंदोलन हुए, हिंसा भड़की। स्थिति इतनी बिगड़ी कि 1984 के आम चुनावों में राज्य के 14 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव ही नहीं हो पाए। असम में घुसपैठियों के खिलाफ वर्ष 1979 से चले लंबे आंदोलन और 1983 के भीषण हिंसा के बाद समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू और कुछ अन्य संगठनों तथा भारत सरकार के बीच हुआ ये समझौता ही असम समझौता कहलाता है। असम समझौते के मुताबिक 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहां से जाना होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इस समझौते के तहत 1951 से 1961 के बीच असम आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और मतदान का अधिकार देने का फैसला लिया गया। इस समझौते के तहत 1961 से 1971 के बीच असम आने वाले लोगों को नागरिकता तथा अन्य अधिकार दिए गए, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इस समझौते का पैरा 5.8 कहता है कि 25 मार्च 1971 या उसके बाद असम में आने वाले विदेशियों को कानून के अनुसार निष्कासित किया जाएगा। ऐसे विदेशियों को बाहर निकालने के लिए इस समझौते के तहत विधानसभा भंग करके 1985 में चुनाव कराए गए, जिसमें नवगठित असम गण परिषद को बहुमत मिला और आसू के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत असम के मुख्यमंत्री बने। इस समझौते में असम के आर्थिक विकास के लिए पैकेज भी दिया गया था तथा अहमिया भाषी लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान सुरक्षित रखने के लिए विशेष कानूनी और प्रशासनिक उपाय किए गए। इसके साथ ही असम समझौते के आधार पर मतदाता सूची में भी संशोधन किए गए थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए जो 2016 का है,
2019 में संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई। इस कदम का भारत में मुख्य रूप से असम में व्यापक विरोध हुआ। 11 दिसंबर 2019 को पारित ये कानून उन हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले मुस्लिम बहुल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अंदर आए हों। अब एनआरसी क्या है? 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत स्थापित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी विशेष रूप से भारतीय नागरिकों का एक रिकॉर्ड है। इसका मुख्य उद्देश्य वैध भारतीय निवासियों की पहचान करना है और अब तक इसे केवल असम में ही लागू किया गया है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अवैध अप्रवासियों की पहचान के लिए एनआरसी को देश भर में विस्तारित करने की योजना की घोषणा भी की जा चुकी है। जहां एक तरफ सीए पूरी तरह से भारत में रहने वाले अवैध प्रवासियों पर लागू होता है, वहीं एनआरसी में विशेष रूप से भारतीय नागरिकों का रिकॉर्ड शामिल है। सरकार के आश्वासन के बावजूद सीए और एनआरसी के संभावित संयुक्त प्रभाव के बारे में अगर हम बोले तो चिंताएं जताई जा रही है, इस डर के साथ कि मुसलमानों को एनआरसी से बाहर रखा जा सकता है जिससे वो राजविहीन हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको क्या समझ आता है सीए और एनआरसी के बारे में? आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।